लालची प्याज वाला। ये एक लालची व्यापारी की कहानी है। पहले अमंगल नाम के गांव में देवेंद्र नाम का एक सब्जियों का व्यापारी रहता था। वो अपने खेत में सब्जी उगाता था। वो सब्जियों को बोरियों में भरकर गाड़ी में शहर ले जाकर वहां के व्यापारियों को बेचता था। बाद में ठेले पर सब्जी लादकर बेचा करता था। देवेंद्र, सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, आओ भाई आओ, ताजा सब्जी कहकर बेचता था। उसकी दुर्बुद्धि थी। वो कोई भी सब्जी उगाने से पहले एक चाल चलता था। वो आसपास के किसानों से मिलता था, मेरी बात ध्यान से सुने, इस बार टमाटर कोई ना उगाएं, क्योंकि हमारे आसपास सभी टमाटर ही उगा रहे हैं। अब सब टमाटर उगाएंगे तो खरीदने वाले ही नहीं होंगे और घाटे में बेचना पड़ेगा। मैं इस बार टमाटर नहीं उगाने वाला, आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। इस तरह वो आसपास के सारे किसानों से मिलकर यही बात कहता था। उसके बाद वो खुद अपने खेत में टमाटर उगाता था। सब्जी उगने पर किसान बोरियों में भरकर गाड़ियों में शहर ले जाते और व्यापारियों को बेचते। व्यापारी, ये क्या किसी ने टमाटर नहीं उगाया? लोग टमाटर की खूब मांग कर रहे हैं, टमाटर है तो बोलो, वरना बाकी सब्जियों की जरूरत नहीं। ये सुनकर किसान सिर पीट लेते। बाद में देवेंद्र अपने उगाए हुए टमाटरों को बोरियों में भरकर वहां आता था। व्यापारी, क्यों देवेंद्र, क्या उगाया इस बार, टमाटर उगाया है कि नहीं? देवेंद्र, गाड़ी टमाटर से भरा है, एक बोरी 800 रुपए का है, लेना हो तो बोलो, नहीं तो कहीं और बेचूंगा। व्यापारी, बोरी 800 रुपए, बहुत ज्यादा है। देवेंद्र, इतना हैरान ना हो, क्या मैं नहीं जानता कि तुम इसे कितने में बेचोगे? मेरा समय नष्ट किए बिना बोलो कि लेना है कि नहीं। व्यापारी लाचार होकर पैसे दिए। उसके बाद ठेले में डालकर, टमाटर लो टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, 50 रुपए किलो टमाटर, आओ भाई आओ कहकर बेचने लगा। गांव के लोग आकर खरीद कर ले गए। टमाटर कम होने के कारण दाम ज्यादा होने के बावजूद लोग खरीद कर ले गए। घर पर देवेंद्र की पत्नी, आप बहुत चतुर हो जी, सबको टमाटर उगाने के लिए मना किया और खुद टमाटर उगाया, वाह। देवेंद्र, तो तुम्हारे पति को क्या समझा? हर बार यदि मैं ही जाकर उनसे कहूँ तो उन्हें शक हो सकता है, इसीलिए हर बार किसी और को भेजता रहता हूँ और ऐसे करने के लिए उन्हें पैसे भी देता हूँ। इस बार पता है हम क्या उगाएंगे? प्याज। खिड़की से उनकी बातें एक औरत सुन रही थी। पत्नी, जी हाँ, खाने में कोई सब्जी हो या ना हो चलेगा, पर प्याज ना हो तो खाना ही नहीं बनता। इस बार किसे भेज रहे हैं ये सब चाल चलने के लिए? उसके बाद जिस औरत ने खिड़की से ये सब बातें सुना, उसने जाकर किसानों को बताया, तुम लोगों को हर बार देवेंद्र ही उल्लू बना रहा है, इस बार वो प्याज उगाना चाहता है। किसान, इतना बड़ा धोखा, वो किसान है इसीलिए उस पर विश्वास किया, उसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन एक आदमी सूट बूट पहनकर किसानों के पास आया। वो किसानों से, मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ, इस बार बाजार में मिलावट वाले प्याज के बीज के आने की खबर मिली है, कई मिलावट करने वाले को पकड़कर हमने जेल में डाला है, आप में से कोई मिलावट करे तो बताना, इस बार प्याज ना उगाओ तो अच्छा है, मेरी बात सुने और प्याज ना उगाएं। किसान, आप भगवान के रूप हैं, आप जैसे ईमानदार अधिकारी को हमने कभी नहीं देखा, हम सोच रहे हैं कि हमारे गांव में आपका एक बुत बनाएं, अपने बच्चों को भगवान का नहीं आपका नाम रखें। उसके वहां से जाने के बाद सब जोर से हंसने लगे। फसल होने के बाद देवेंद्र ने गाड़ी में प्याज की बोरियों को भरकर रवाना हुआ। शहर में व्यापारी, आओ देवेंद्र आओ, तुम्हारी ही राह देख रहा था, क्या उगाया, तुमने भी प्याज ही उगाया, अगर प्याज है तो शहर के बाहर जाके फेंक दो, यहाँ फेंकोगे तो बदबू आएगी। देवेंद्र ये बात सुनकर चौंक गया। उसके बाद ठेले में प्याज बेचने की कोशिश की।
प्याज ले लो प्याज, ताजा ताजा प्याज, कहकर आवाज देने लगा, पर कोई खरीदने नहीं आया। देवेंद्र ने सिर पकड़ लिया। तब किसान वहां आए। एक किसान, क्यों देवेंद्र आए अकल ठिकाने? साथी किसान को धोखा देते हुए शर्म नहीं आती? तुमने किसी को अफसर बनाकर भेजा था, हर बार धोखा खाने के लिए क्या हम पागल हैं? एक स्त्री, हमें नुकसान हो तो हो, पर तुम्हें नुकसान होना ही चाहिए, इसीलिए हम सब ने प्याज उगाया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, चार मार पड़ेगा तभी अक्ल आएगी। इस तरह सब ने उसे मारा। बाद में देवेंद्र लंगड़ाते हुए घर पहुंचा। इसीलिए बच्चों, धोखा देना पाप है, ऐसे करने वाले को कभी ना कभी सजा जरूर मिलेगा। अच्छी लगी कहानी? लिलीपुट और लड्डू भाई। बहुत पहले विशाल देश का शासन राजा रवि वर्मा करते थे। उन्हें अपने नाव में देश विदेश का सैर करने का बहुत शौक था। एक बार जब वे समंदर में नाव पर जा रहे थे, तब एक शार्क मछली ने उन पर हमला किया, उसके कारण नाव उलट गया। रवि वर्मा पानी में कूदकर तैरने लगे। शार्क मछली उनका पीछा करने लगी। रवि वर्मा किसी तरह अपने आप को बचाकर तैरता हुआ एक टापू पर गया। वहां जाकर वो यूं चल रहा था कि उसे वहां पे छोटे घर, छोटे छोटे गाय, भेड़, बकरी, सब छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। वो इन सबको हैरान होकर देख रहा था। एक लिलीपुट ने अचानक एक तीर चलाया, वो उसके गाल पर आकर लगा। महाराज तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। तब उसके पास बहुत सारे लिलीपुट तीर कसकर दौड़े दौड़े आए। कुछ लोग उस पर चढ़कर उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। बाद में एक बैलगाड़ी पर लिटाकर गांव में लेकर गए। इतने में रवि वर्मा ने होश में आकर आंखें खोली। उसके छाती पर एक लिलीपुट खड़ा था। वो, ए कौन हो तुम? तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारे देश में कदम रखो? रवि वर्मा कुछ कहने की चेष्टा कर रहे थे, कहकर हिल रहे थे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसीलिए तुम्हारे मुंह पर कपड़ा बांधा है। जो हम कहते हैं वो सुनना ही तुम्हारा काम है। अगले अमावस्या को तुम्हें इस समुद्र के मछलियों को भेंट चढ़ा देंगे, कहकर हंसने लगा। विशाल राज्य में लड्डू भाई नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे बचपन से ही जोर से बोलने की आदत थी। उसे वश में करना उससे नहीं होता था, और कभी कभी वो बेसुरा होकर गाना भी गाता था। ये शार मस्तानी मदहोश किए जा। महाराज का पता ना चलने के कारण उस राज्य में ऐलान हुआ, सुनो सुनो सुनो, राजा रवि वर्मा का नाव समंदर में डूब गया है। उनके बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख का इनाम घोषित किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। तब लड्डू भाई, माँ वो ऐलान सुना? महाराज का पता लगाया तो 10 लाख मिलेगा, मैं पता लगाता हूँ। माँ, हाय रे, धीरे भी तो बोल सकता है ना, इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो? मैं बहरी नहीं हूँ, तुम ऐसा साहस मत करो, इसमें खतरा है। पर उसने परवाह किए बगैर राजमहल में गया। वहां राजकुमारी और मंत्री थे। लड्डू भाई,
बड़ों को नमस्कार। मैं जाकर महाराजा का पता लगाता हूँ, आपको मंजूर है? उन दोनों ने कान बंद किया। तुम कौन हो और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज की खोज बहुत लोग कर रहे हैं, तुम भी जाकर ढूंढ सकते हो। जो उनकी सूचना लेकर आएगा उसे ही 10 लाख मिलेगा। वो राजा की खोज में नाव लेकर निकला। वो ढूंढता ढूंढता लिलीपुट के टापू पर आ पहुंचा। वहां आकर राजा जी, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ यहाँ, आप कहाँ? कर चिल्लाने लगा। ये गाना सुनकर महाराज कहकर हिलने की कोशिश करने लगा। उसके पास पहरे पर खड़े लिलीपुट ने अपने कान बंद कर लिए और बाप रे, कौन है ये? जरा सी भी ऊंची आवाज हम सह नहीं सकते, इसीलिए तो पहले बंदी बनाकर हम मुंह बंद कर देते हैं। पर पता नहीं ये कौन सा बेसुरा आया है, ये तो हमें मार ही डालेगा, अब क्या करें? लड्डू भाई, राजा जी ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, तुम कहा कहकर चिल्लाने लगा। यूं गाते गाते वो वहाँ आया। तब एक लिलीपुट, भैया तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके चिल्लाना बंद करो। तब लड्डू भाई, अरे महाराज आप यहाँ हैं? जानते हैं हम सब आपको ढूंढ रहे हैं। ए, तुम कौन हो? हमारे महाराज को तुमने क्यों बांधा है? कहकर चिल्लाया। उस शोर से लिलीपुट सारे इधर उधर भागने लगे। गाय, बैल, भेड़, बकरी सब डर कर भागने लगे। लड्डू भाई ने महाराज को छुड़ाया। महाराज, धन्यवाद बेटा, समय पर आकर तुमने मेरी रक्षा की। मैं अभी अभी समझ पाया हूँ कि ये शोर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारी ऊंची आवाज से डर कर भाग गए हैं। उसके बाद कुछ लिलीपुट वहां आए। लड्डू भाई ने एक को पकड़कर अपने हथेली पर खड़ा किया। तब लिलीपुट, इंसानों से हमारा टापू को खतरा है, इसीलिए हम किसी को भी यहाँ आने नहीं देते। महाराज को बंदी बनाया इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तब लड्डू भाई, क्या तुम नहीं जानते कि इस देश के ही नहीं इस द्वीप के भी यही महाराज है और तुम लोगों ने इन्हें बंदी बनाया? तब महाराज, शांत हो जाओ बेटा, देखो लिलीपुट मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ, अब से ये मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ बाहर से कोई ना आए। तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आकर मिल सकते हो। फिर लिलीपुट से विदा लेकर दोनों अपनी राजधानी लौटे। तो बच्चों, कभी कभी किसी की कमजोरी उसका बल बन जाता है, क्यों है ना?